तो संजय राउत ने ट्वीट कर देवेंद्र फडणवीस को जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा है कि संजय राउत एक शिवसैनिक मर्द है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि संजय राउत इतना डर चुके हैं कि वो पत्रकार परिषद यानी कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डर कर। इसको लेकर संजय राउत ने ये ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की देखने और सुनने में जो है वो गलती हुई है। संजय राउत एक शिवसैनिक मर्द है और वो किसी से नहीं डरता, यानी कि मैं किसी के से नहीं डरता। संजय राउत ने ये ट्वीट कर देवेंद्र फडणवीस को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने आज कई तरीके के आरोप जो है महाराष्ट्र सरकार पर लगाए हैं और साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डरने वाला नहीं हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जो है चेतावनी दे दी है। ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं आरोपों को जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गलत है, मैंने कोई भी गुनाह जो है वो नहीं किया है। हम संजय राउत का ट्वीट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या संजय राउत ने ट्वीट किया है और अपने आप को शिवसैनिक मर्द बताते हुए देवेंद्र फडणवीस की देखने और सुनने में जो है वो गलती बताई है और साफ तौर पर कहा है कि केंद्रित जांच एजेंसी कितनी भी झूठी कार्रवाई कर ले हम झुकने वाले नहीं है। कितना ही झूठ बोल ले, मैं जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता हूँ वो सबूतों के साथ लेता हूँ, कभी हम झूठ नहीं बोलते। जो भी हम आरोप लगाते हैं उनके हमारे पास सबूत होते हैं, सबूतों के साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता के सामने सच्चाई रखता हूँ।